फाइनल क्लास के सीसीएनआर कोर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम चैप्टर वन नेटवर्क फंडामेंटल देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज अ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क क्या है। कि नेटवर्क कोई भी दो डिवाइसेस का कनेक्शन होता है। सो आपको कम से कम एक डिवाइस से तो नेटवर्क नहीं बन सकता, तो आपको एटलीस्ट कम से कम दो डिवाइस लगेंगे जिसको आप जोड़ते हैं तो वो नेटवर्क बन जाता है। ऑफ कोर्स आप और डिवाइसेस ऐड करते रह सकते हो एंड ये और बड़ा सा नेटवर्क बन जाता है। अब जो ये डिवाइसेस हैं ये ज़रूरी नहीं कंप्यूटर्स ही हो, पीसीज ही हो, ये सर्वर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं, फ़ोन्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं, या इवन दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्विचेस, ओके, जिसको हम आगे देखेंगे, राउटर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो ये बेसिकली नेटवर्क कनेक्शन है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का, और ये डिवाइसेस कोई भी इनमें से डिवाइसेस हो सकते हैं, सर्वर्स, कंप्यूटर्स, फोन्स, टैबलेट्स। हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं? ठीक है, हम नेटवर्क बनाते हैं ताकि हम कुछ ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकें। इनमें से जनरली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कम्युनिकेशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी, बट वो एप्लीकेशन चल रहा कैसे है, क्योंकि बैकग्राउंड में पीछे नेटवर्क है, 3G 4G ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो भी है, अगर ये ना हो तो आप वो ऐप नहीं यूज़ कर पाओ। इसके अलावा आप फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, राइट, तो शेयरिंग डेटा, राइट, आप वो कर सकते हो, तो उसको सॉफ्टवेयर में आ गया तो फाइल्स हो सकती हैं, वो डेटा हो सकता है जो आपको शेयर करना है किसी तरह का, तो फाइल, डेटा शेयरिंग, ये सब सॉफ्टवेयर रिलेटेड लॉजिकल चीज़ें जो कि रियल नहीं होती, उनका कोई रियलिटी में अस्तित्व नहीं होता, वो आप शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप हार्डवेयर शेयरिंग भी कर सकते हो, लाइक मान लीजिए जैसे क्या प्रिंटर है किसी ऑफिस के अंदर और उसमें बाकी सारे यूज़र्स हैं पीसीज पे, ओके, आप हर एक यूज़र को तो अपना प्रिंटर नहीं दे सकते, तो आपको वो प्रिंटर शेयर करना पड़ेगा सारे यूज़र्स के बीच में, मतलब पूरे एक ऑफिस में एक प्रिंटर होगा और वो शेयर होगा बाकी यूज़र्स के बीच में, तो ये भी एक यूज़ है नेटवर्किंग का। इसके अलावा रिमोट मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है, तो रिमोट मैनेजमेंट मतलब दूर से कहीं बैठे हम किसी मशीन का एक्सेस लें एंड उसको हम लोग कंट्रोल करें, इसको बोलते हैं रिमोट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए जैसे एक पीसी ए है और एक पीसी बी है, अगर पीसी ए में कोई गड़बड़ी है और पीसी बी पे बैठा व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है, तो वो दूर बैठे किसी शहर से या किसी और लोकेशन से वो उसका रिमोट एक्सेस ले सकता है, मतलब उसका पीसी ए का स्क्रीन पीसी बी पे दिखाया जाएगा और पीसी बी पे बैठने वाला आदमी पीसी ए पे काम कर सकता है, इसको बोलते हैं रिमोट मैनेजमेंट, दूर से ही किसी पीसी पे काम करना वगैरह, ये सब भी पॉसिबल है नेटवर्किंग की वजह से। तो ये कुछ यूजेस हैं नेटवर्किंग के। जब आप नेटवर्क्स को जोड़ते हैं तो वो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में जोड़ा जा सकता है, पर ये बेसिक सा इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या प्रकार के होते हैं। इनमें से एक हो सकता है पीयर टू पीयर या पी टू पी। पीयर टू पीयर में हमारे पास डिवाइसेस होते हैं और हम इनको डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पे कोई डिवाइस किसी डिवाइस दूसरे डिवाइस से बड़ा नहीं होता, हर डिवाइस का एक जैसे होते हैं कैपेसिटी, कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, सब सारे के सारे डिवाइसेस इक्वल है, किसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो ये टाइप ऑफ कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इससे हर जगह आपका काम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि आपका कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है,
मान लीजिए कोई बैंक है, या मान लीजिए ऐसा कोई बड़ा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और आपको उनको मैनेज करना है, तो आप एक एक डिवाइस को इंडिविजुअली जाके मैनेज नहीं कर सकते। पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन में आपको हर डिवाइस को इंडिविजुअली जाके मैनेज करना पड़ता है, वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो दूसरा होता है, उसमें नाम ही जैसे पता, नाम से ही आपको पता लगे कि उसमें एक सर्वर होता है, एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होता है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है जो बाकी के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है, एंड या फिर उनको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मॉडल है नेटवर्किंग का जहाँ पे आपने एक सेंट्रलाइज सर्वर सेटअप किया हुआ है ताकि आपका काम आसान हो, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सके आप क्लाइंट्स को, तो फिर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसके अलावा नेटवर्क क्लासिफिकेशन जो होता है उसको हम लोग साइज के ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क कितना बड़ा है उसके हिसाब से हम उनको कैटेगराइज करते हैं। सब अगर आपका नेटवर्क बहुत छोटा है तो हम लोग उसको बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, ये आपका पर्सनल नेटवर्क होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल नेटवर्क, और इसमें बहुत ही कम डिवाइसेस होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कम। ओके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपका फ़ोन और आपका पीसी अगर आपने जो रखा है ब्लूटूथ से फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है आपका। मे बी फ़ोन और आपका शायद स्मार्ट वॉच, ओके ऐसा कोई डिवाइस आपने कनेक्ट कर रखे हैं जो छोटा सा नेटवर्क एंड बहुत ही कम डिवाइसेस, तो उस टाइप का नेटवर्क आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। जनरली यहाँ पे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, एनएफसी टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे हम कनेक्टिविटी के लिए। जनरली ऑफिसेज में इससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये सबसे कॉमन नेटवर्क है जो आप जनरली आपको दुनिया में दिखाई देगा। ये जनरली आपका एक किसी ऑफिस के अंदर किसी एक फ्लोर के ऊपर या कोई एक बिल्डिंग, राइट, ये सारा साइज का जो नेटवर्क होता है, मतलब एक ऑफिस या बिल्डिंग या फिर इस टाइप का कोई नेटवर्क अगर आपके पास है तो वो लैन है, राइट। जनरली यहाँ पे एक सिंगल नेटवर्क होता है जिसके अंदर सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं। हम जनरली एक डिवाइस यूज़ करते हैं जो आगे जाके हम समझेंगे, जो कि जिसको हम स्विच बोलते हैं, और उसके उसके वजह से मेजर कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब मान लीजिए जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है एंड आपके पास एक लैन में बिल्डिंग है, बट हो सकता है आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मल्टीपल बिल्डिंग्स हो, और ऑफ कोर्स आपको उनको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है और आपको इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरह का नेटवर्क जहाँ पे आपके मल्टीपल लैंस, ओके ये सब इंडिविजुअल लैन होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के, और आपने इनको सबको जोड़ रखा है बिकॉज आप लास्ट में ये आपका अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको जोड़ना तो उनको पड़ेगा ही। तो ये जो लैन नेटवर्क्स को आपने जोड़ा है वो फाइनली बन जाएगा एक कैंपस, और इसके लिए इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है ये लैन का, मतलब काफ़ी सारे लैन जुड़ा के आप एक सिंगल नेटवर्क बना सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके अलावा आपका नेटवर्क थोड़ा और बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसा आपका आपके ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस एरिया नेटवर्क्स है, मान लीजिए जो एक सिटी के पार्ट में है, एक शहर के एक कोने में है, दूसरा कोई दूसरे शहर के एक उसी शहर के किसी और दूसरे कोने में है, एंड तीसरा कैंपस एरिया नेटवर्क कोई शहर के तीसरे कोने में है। आपको उनको जोड़ना तो पड़ेगा क्यों, क्योंकि सारे के सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है।
इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है जो कि पूरे सिटी में शहर में फैला हुआ है, इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें आपका सिटी पूरा कवर होता है आपके एक कनेक्टेड नेटवर्क में। इसके अलावा अगर आपका नेटवर्क और बड़ा हो राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि होता है वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क बहुत बड़े होते हैं और ये पूरा का पूरा आपका दुनिया में फैले होते हैं। ये तो बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल साइज कवर करते हैं और ये इंटर सिटी हो सकते हैं, मीनिंग शहरों के बीच में या स्टेट्स के बीच में, कि इंटर स्टेट, इंटर सिटी या पूरा पूरा कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है। जब ऐसा कोई नेटवर्क आपके पास होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है। आप कहीं से भी बैठे बैठे पूरी दुनिया में किसी भी बैठे बैठे किसी भी सर्वर को आप कनेक्ट कर सकते हो एंड वहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ डिवाइसेस लगते हैं जिसको जिसके बिना आप नेटवर्क बना नहीं पाओगे। ये डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको जो डिवाइस लगता है आपके हर डिवाइस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हर मशीन हर डिवाइस के अंदर होता है। इसके बिना आप नेटवर्क से आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता। ये डिवाइस आपको अलग अलग तरीके से नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आपका NIC कार्ड हो सकता है वाईफाई सपोर्ट करता हो तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपका NIC कार्ड केबल लैन केबल सपोर्ट करता है तो आप लैन केबल के थ्रू नेटवर्क में कनेक्ट कर पाओगे। बट जो भी हो, आपको NIC कार्ड लगेगा ताकि आप नेटवर्क में कनेक्ट हो सको। कहीं कहीं इसको नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क अडाप्टर बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। हाउएवर ये डिवाइस NIC ही है। अगर आपको दो डिवाइस जोड़ने हैं कि आप उनमें NIC कार्ड होगा और हो सकता है आप उनको केबल से जॉइन कर दें, इस केस में ये नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर ये केबल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप देखोगे कि इसमें इनिशियल सिग्नल तो बहुत अच्छे से आएगा बट आगे जाते हुए सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिग्नल का वोल्टेज कम हो जाएगा जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ेगा। ऐसे केस में आपको एक डिवाइस का उपयोग करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को बूस्ट करता है और उसे आगे दूसरे डिवाइस की तरफ भेजता है। इस तरह से रिपीटर एक बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम है सिग्नल को सिर्फ बूस्ट करना। ये जनरली सिंगल इन सिंगल आउट होता है, मीनिंग एक सिंगल इनपुट लेता है और एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है। एक सिंगल इनपुट अंदर जाता है और एक सिंगल आउटपुट बाहर की तरफ आता है। बट अदरवाइज ये एक डम डिवाइस है, मीनिंग इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये डिवाइसेस के एड्रेस पर पता नहीं कर सकता, ये सिंगल आउट नहीं कर सकता किसको क्या भेजना है, ना ही तो ये पता कर सकता है सिग्नल में कितना नॉइज है या एरर है। नहीं, इसको जो मिलता है ये सिर्फ आगे उसे बूस्ट करके भेज देता है। रिपीटर से आप एक डिवाइस ही दूसरे को कनेक्ट कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। नेटवर्क में आपको जनरली मल्टीपल डिवाइसेस को साथ में जोड़ना होता है, मीनिंग दो से ज़्यादा। ऐसे केस में आपको एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस चाहिए जो आपके उन डिवाइसेस को कनेक्ट करे। ऐसे केस में आप हब यूज़ कर सकते हैं। हब भी बेसिकली एक टर्म डिवाइस है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हर किसी को भेजता है, नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड है उन सब को ये सिग्नल अननेसेसरली भेजेगा। इस चीज़ को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग।
राइट, नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड है आप अगर उनको सारे को इन्फॉर्मेशन भेजो, चाहे वो चाहते हो उसे लेना या नहीं, तो हम उसे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। हब सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है, हब भी एक्चुअली एक डम डिवाइस ही है जो एक्चुअली एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है। मतलब हब सिर्फ एक रिपीटर है जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्टेड है ताकि आप ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सको। ये भी एक डम डिवाइस है जैसे मैंने कहा, ये इसको भी सोर्स और डेस्टिनेशन या उनके एड्रेसेस समझ नहीं आते हैं। इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है ये उठा के उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो ये है हब। ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो हब से आपको प्रोवाइड होती है उन्हें दूर करने के लिए आप एक स्विच यूज कर सकते हो। स्विच हब की तरह ही दिखता है और उसी की तरह हम उसे यूज भी करते हैं, लेकिन इंटरनली वो स्विच से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। आप उसमें जो डिवाइसेस कनेक्ट करते हो वो उनका एड्रेसेस का ट्रैक रख सकता है, मतलब वो पता कर सकता है कि कौन से पोर्ट पे कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि ए बी सी डिवाइस कनेक्टेड है और मान लीजिए पोर्ट नंबर 0, 1 एंड 2 है, तो बेसिकली उसके पास एक टेबल होता है जहाँ पे वो मेंशन कर सकता है कि पोर्ट नंबर 0 पे डिवाइस ए कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 1 पे बी डिवाइस कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 पे सी डिवाइस कनेक्टेड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वो पता कर सकता है। जनरली ये भी हब की तरह सिंगल नेटवर्क पे ही यूज़ करते हैं हम लोग, मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा चीज़ इसके बारे में ये अच्छा है कि ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ये जब इसको किसी पीसी को किसी से इंफॉर्मेशन को भेजना होता है तो ये यूनिकास्ट करता है। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि हम एक डिवाइस से डायरेक्टली दूसरे डिवाइस को इंफॉर्मेशन भेज सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए डिवाइस ए को डिवाइस सी को कुछ भेजना है मैसेज, स्विच के ज़रिए हम लोग ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं, डिवाइस ए से सीधा डिवाइस सी के पास डायरेक्टली जाएगा। ये कैपेसिटी यूनिकास्टिंग की हब में नहीं है। हब सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर सकता है, स्विच यूनिकास्ट भी करता है, इसीलिए सारे हब की प्रॉब्लम्स ये दूर कर देगा। इसके अलावा एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउटर। राउटर भी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको भी पता होता है कि कौन सा डेस्टिनेशन कहाँ पे है, लेकिन ये आईपी एड्रेस पे काम करता है। मीनिंग अब जो आपका राउटर होता है इसे ये आईपी एड्रेस पे काम करता है, मतलब ये मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ता है। इसका काम है मल्टीपल नेटवर्क्स पे काम करना। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि स्विच और हब सिंगल नेटवर्क्स पे काम करते हैं, राउटर्स वैसा नहीं करते। राउटर्स मल्टीपल नेटवर्क पे ही काम करते हैं और इनका काम ही है मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ना। और ये भी इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसे भी पता होता है सोर्स और डेस्टिनेशन नेटवर्क कहाँ है। ये राउटर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को इन्फॉर्मेशन भेजता है बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है और क्या नहीं हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप बस ये ध्यान में रखें कि राउटर आईपी एड्रेस के ज़रिए सोर्स और डेस्टिनेशन पे मैसेज भेजता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। यूनिकास्टिंग, यूनिकास्टिंग का मतलब होता है कि किस तरह से जब आप हमारे पास एक डिवाइस है और वो दूसरे डिवाइस को आपको कम्युनिकेट करना है, तो जब ये डायरेक्टली पॉसिबल हो, मतलब एक डिवाइस के साथ में दूसरा डिवाइस आपका डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, तो हम लोग उसको यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर मैं आपको व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दूँ, आप किसी कॉन्टैक्ट को निकालो और उसी कॉन्टैक्ट को आप डायरेक्टली मैसेज भेजूं, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है। मल्टीकास्ट बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि वो वन टू मैनी है। वन टू मैनी का मतलब क्या है, एक से आप काफ़ी सारे लोगों को मैसेज भेज रहे हो, लेकिन याद ध्यान में रखें ये सब नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक डिवाइस है और आपको उनको
आप मल्टीपल डिवाइस को मैसेज भेजने हैं एक साथ, तो मल्टीपल डिवाइसेस को मैसेज भेजने को हम मल्टीकास्ट बोलेंगे। बेसिकली ये है वन टू मेनी कम्युनिकेशन। फाइनली आपके पास होता है ब्रॉडकास्टिंग, जो हमने देखा पहले भी, ये होता है वन टू ऑल। वन टू ऑल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? अगर आपके नेटवर्क में मान लीजिए चार डिवाइसेस कनेक्टेड है और कोई मैसेज भेज के हम चारों को मैसेज भेज सके एक साथ, सारे के सारे डिवाइसेस को एक साथ वो मैसेज मिलता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है।